Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome back to my channel, Fun with Kanchan. तो आज है 10 जुलाई यानी सावन का पहला सोमवार. कितना शुभ दिन है ना आज. और आज मेरा व्रत भी है तो इसलिए मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी. 5 बजे के पहले ही उठ गई थी मैं, क्योंकि मुझे आज दोनों बच्चों को स्कूल भेजना था, खुद रेडी होकर मंदिर जाना था शिव जी को जल चढ़ाने के लिए. तो बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग है आज का, तो इस ब्लॉग को अपना ढेर सारा प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं. तो दोस्तों, सुबह उठ के सबसे पहले मैं फ्रेश हुई. उसके बाद सबसे पहला जो मेरा काम था, मुझे आज अपने बालों को शैम्पू करना था, इसलिए मैंने अपने बालों में पहले तेल लगाया. सोचा पहले तेल लगा लूँ, उसके बाद अपना सारा काम स्टार्ट करूँगी. तो तेल लगाने से क्या होता है ना, आपके बाल ज़्यादा रफ़ एंड ड्राई नहीं होते हैं. मैं तो बिना तेल लगाए कभी शैम्पू नहीं करती. कल ही लगा लेने वाली थी पर मैं भूल गई थी, इतना सारा काम था तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया. तो इसलिए आज मैं सुबह उठते ही पहले तेल लगा ली, उसके बाद अपना काम सारा शुरू किया था. यहाँ मैं अपने लिए पीने वाला पानी भर रही थी, क्योंकि केन वाटर आता है हमारे घर में पीने के लिए. तो केन वाटर जो था वो एक्स्ट्रा था नहीं, और जो यूज़ हो रहा था वो तो मैं पी नहीं सकती क्योंकि व्रत था मेरा. इसलिए यहाँ से जो खाना बनाने के लिए मैं पानी भरती हूँ वहीं से मैंने पीने के लिए पानी भर लिया था अपने लिए. मौसा जी को जाकर दे दो, लो पेटांगो मत, लो 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 लो. जा नहीं दी हूँ, बाइक से तो आना है. आ जाओगे, जाओ. अब बारिश नहीं होगा, बाइक से आते हो जल्दी आ जाओगे. जाओ बैठो बैठो बैठो, पहले रुक जाओ. पूछू कहाँ बहो. अच्छा जा बैठो बैठो. अरे भाई बाय बाय बेटा. का बोलता है. अच्छा बाय. सबको भेजने के बाद टाइम हो गया था 8:45. काजल तो ब्रश कर चुकी थी, मतलब दातुन, आपने देखा ही वीडियो में. और मैं अभी दातुन कर रही थी. ये दातुन भी हमें बड़ी मुश्किल से मिला था, आपको पता है, यहाँ वो भी नहीं मिलता है जल्दी. गाइज, ये साड़ी मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था जब मैं पिछले छठ पूजा में ससुराल गई थी. तब आरा में है मेरा ससुराल. हाँ. है ना सुंदर, बहुत सुंदर मुझे लगी थी ये कलर और ये साड़ी भी. Thank you.
साड़ी कैसी लग रही है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी सासू माँ का दिया हुआ साड़ी है। सासू माँ हमें दीदी अकेले चल कर बेटा कोई तो आपका जो भैया ने बेटा बोला। हाँ अच्छा माँ बैठो ले बैठ। सुबह 5 बजे उठे थे, कितनी भी जल्दीबाजी करो लेट हो ही जाता है। लेट नहीं है। हाँ ठीक ही है। यहाँ पर तो औरतें वैसे सारा काम करने के बाद मतलब सबके तो हस्बैंड और बच्चों को ऑफिस जाना रहता है और स्कूल जाना रहता है बच्चों को, तो कम से कम 11 बजे तक सब निकलती हैं। हम लोग फिर भी ठीक ही टाइम पे 10:30 हो रहा है अभी। काजल की साड़ी भी कितनी सुंदर है ना गाइस, बहुत सुंदर लग रही थी। सिर्फ 200 की ये साड़ी है, मतलब इतनी खूबसूरत। देखिए सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था इसका। आपने हमारा शॉपिंग ब्लॉग नहीं देखा तो जाके प्लीज़ देखिएगा। मैं इस वीडियो के साथ कमेंट में उस ब्लॉग का लिंक मैं पिन कर दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा हमारा शॉपिंग ब्लॉग। बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ियाँ और सस्ते में लेकर आए थे हम लोग। देखिए हम लोग मंदिर पहुँच गए। केला रख दे जाओ नानी बुला रही जाओ उतना ध्यान नहीं मुहावा झाको तल सारा लिखा तो कोनी पूजवा कॉलेज में तो पूछो कि के हो तो हम का जान दिया हो बिच कोई कह दिया कहां से ले ले आज आज दिन होता है ना वो एक फिर का जैक दे हां कल एक नाम लिखवा के वैसे आ गए स्कूल ले तो खुद घर बारे में करेंगे। हां साल भर पढ़ाई में बारे में। दोस्तों हम लोग मंदिर में ये शिव जी के पास जैसे ही पहुंचे आपने देखा बंदर, इतने सारे बंदर वहाँ कि जल चढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने दही दूध लिए थे वो तो हमें मिले ही नहीं, वो लेकर भाग गए थे मंकी। और जितने भी फल केले वगैरह थे सबके लेके भाग रहे थे वो। तो जैसे जैसे मेरा एक केला बचा हुआ था तो हमने खाली पानी में जो भांग और ये क्या कहते हैं हनी वगैरह जो डालते हैं ना मीठा हनी जो भी मतलब डाल के जो जल चढ़ाया जाता है वही हमने चढ़ाया। दूध और दही तो हम चढ़ा नहीं पाए, मतलब हमारा सब कुछ मंकी लेके चला गया था, ऊपर ही बैठा हुआ था। केला हम लोग दूर फेंक रहे थे, वो जा रहा था खा के फिर वापस वहीं पे। बहुत डर लग रहा था, मतलब जैसे तैसे हमने जल चढ़ाया और वीडियो भी मैं जल चढ़ाने का वीडियो भी शूट नहीं कर पाई बिल्कुल, क्योंकि डर भी लग रहा था कि कहीं सर पे कूद ना जाए। लेकिन कोई नहीं, भगवान जी के पास तो बजरंग बली भी थे तो उनका भी भोग लग गया, क्यों सही कहा ना। बंदरों की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो गई थी लेकिन बाकी हम सारी बहनों ने मिलके पूजा बहुत अच्छे से कर ली थी। बहुत सारी औरतें जमा हुई थी वहाँ पे, हिंदी वाली भी तमिल वाली भी सब मिलके पूजा कर रही थी। बहुत ही अच्छा लगा, मन को शांति मिली। तो ये था मेरा सोमवार पहला। आपका सोमवार का व्रत कैसा गया वो भी मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से पूजा करने के बाद वापस हम लोग गए मंदिर के अंदर, ये बाहर की साइड है ये स्थान और यहाँ पार्वती माता का स्थान है तो यहाँ भी हमने पूजा की सब ने मिलकर की। तो गाइस ये था आज का मेरा प्रथम सोमवार का व्रत। ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं।
ऐसा ही प्यारा सा व्लॉग लेके मैं फिर वापस आऊँगी। तब तक हर हर महादेव, अपना ख्याल रखिएगा।